दोस्तों, आप पार्ट टाइम जोमेटो से 3 से 4 घंटा काम करके कितना कमा सकते हो, इसी वीडियो में आपको ये जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं शाम का 7 से 11 बजे तक मैंने अपना वीडियो शूट किया, तो उसमें आप देख पाएंगे कि कितना रुपया हुआ है। ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं तो फुल टाइम काम कर रहा हूँ, लेकिन कोई कोई दोस्त पार्ट टाइम काम करना चाहता है, तो उन लोगों के लिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा होगा, सुबह का या शाम का? मैं एक ही बात बताना चाहूंगा दोस्तों, शाम का 7 बजे से रात 12 बजे तक पार्ट टाइम का सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम ज्यादा अर्निंग होता है। और आज मैं आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ। तो अभी अभी तक 7 नहीं बजाए, अभी 6:55 हो गया है। तो अभी मैं लॉग इन कर दिया ऑलरेडी मैंने, तो देखता हूँ पहला ऑर्डर कब आता है। दोस्तों, 7 से 10 11 जितना टाइम आप काम करो, इस टाइम में सबसे ज्यादा अर्निंग होगा और पैसा भी अच्छे खासे मिलेगा। और दोस्तों, इस टाइम पार्ट टाइम का ही होता है, मतलब ओरिजिनल जो पार्ट टाइम है वो शाम 7 बजे से स्टार्ट होता है, अब रात 12 बजे तक कर सकते हो। तो 5 घंटे का होता है, कोई कोई 4 घंटा करता है, कोई 3 घंटा करता है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले मोबाइल स्क्रीन पर चलता हूँ और पिछले मैंने बहुत टाइम काम कर दिया तो उसमें कितना मिला है वो भी शो करा देता हूँ, और उसके बाद जो अर्निंग आपको देखने के लिए मिल जाए वो हो जाएगा आप ही का अर्निंग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले दिखा लेता हूँ। दोस्तों, मोबाइल स्क्रीन पर आ गया, आप देख सकते हो 6:55 हो गया और मैं लॉग इन ऑलरेडी कर दिया। दोस्तों, अभी तक ऑर्डर नहीं आया मेरा, और अभी तक मैंने टोटल कमाई किया दोस्तों 426 रुपया टोटल, और जो टोटल टाइम देख सकते हो दोस्तों 7 घंटा 30 मिनट, टोटल 15 ऑर्डर कंप्लीट किया। लेकिन आपका टाइम होगा दोस्तों 7 बजे से, तो 7 बजे से आप रात 12 बजे तक अगर काम करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? तो इधर जो गिग सिस्टम है दोस्तों, ये 7 से 9, 9 से 10, 10 से 11, तो मैं 4 घंटा काम करके आपको दिखाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना मिल सकता है। ठीक है, और ये जो अभी के लिए जितना अर्निंग आपके सामने शो हो रहा है दोस्तों 426 रुपीज, तो ये छोड़ के आपको काउंट करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आप एक दिन में पार्ट टाइम करके जोमेटो से कमाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी तो देखता हूँ ऑर्डर कब आता है। अभी रूम में हूँ, फिलहाल रूम से अभी निकलता हूँ। रेडी हो गया, पिछले 1 घंटे से मैं रूम में बैठा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट लेना था, तो अभी निकल रहा हूँ। जैसे कि 7 बजने वाला है तो ऑर्डर आना भी स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी निकलना जरूरी है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं सही तरीके से दिखा पाऊंगा कि 7 बजे से आप लॉगिंग करेंगे तो पार्ट टाइम करके आप कितना कमा सकते हैं। दोस्तों, अभी हॉटस्पॉट एरिया में आ गए, आप देख सकते हो यही पे ऑर्डर ज़्यादा आता है, और अभी भी जस्ट पहुँचा, 7:05 हो गया, लेकिन एक भी ऑर्डर अभी तक नहीं आया, और देखता हूँ। दोस्तों, बात करते करते ही पहला ऑर्डर आ गया है गंगा होटल से, होटल गंगा से, और 20 रुपये का ऑर्डर। तो चलिए पहले इसको कंप्लीट करता हूँ। दोस्तों, होटल गंगा में तो पहुँच गया, अभी देखता हूँ ऑर्डर रेडी हो कि नहीं। दोस्तों, ऑर्डर तो पिकअप कर लिया, अभी जाना है 1 किलोमीटर से भी कम है, बहुत पास में है, लेकिन दोस्तों वो रोड क्रॉस करना है जिसके लिए से, और जितना भी 20 रुपये का ऑर्डर आएगा उसका डिस्टेंस ज़्यादातर 500 से 1 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, तो 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक। दोस्तों, कस्टमर के लोकेशन पहुंच गया, ओनली 500 मीटर्स था, तो जल्दी जल्दी पहुंच गया। अभी कस्टमर को कॉल कर देता हूं, उनको बोलता हूं जल्दी जल्दी उनका ऑर्डर लेके चलता है। तो दोस्तों, अभी के लिए फर्स्ट ऑर्डर तो डिलीवरी हो गया 20 रुपीज़ का, तो रेटिंग दे देता हूं। ठीक है, और इसमें 20 रुपीज़ तो 20 रुपीज़ ही मिलेगा, इससे एक भी ज़्यादा नहीं, 890 मीटर इतना भी नहीं है। गेट नेक्स्ट ऑर्डर में चलता हूँ। दोस्तों, सेकेंड ऑर्डर भी असाइन हो गया 28 रुपये का, तो जल्दी जल्दी इसको भी कम्प्लीट करता हूँ। दोस्तों, सेकेंड ऑर्डर की पिकअप लोकेशन में पहुंच गया यही है, तो इसको इससे भी पिकअप कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, और इसको भी डिलीवरी करता हूँ, थोड़ा डिस्टेंस होगा। काफ़ी टाइम बाद जाके ऑर्डर को पिकअप कर पाया 15 मिनट के आसपास, तो थोड़ा लेट हो गया। ये मेरा लेट नहीं, रेस्टोरेंट जब तक नहीं देगा तब तक मैं नहीं ले सकता, तो चलो इसको डिलीवरी करता हूँ पहले। दोस्तों, सेकेंड ऑर्डर भी डिलीवरी कर दिया, और ये लोकेशन थोड़ा अलग जगह है, ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था, 24 रुपये मिला, चलो ठीक है। तो दोस्तों, थर्ड ऑर्डर भी बच चुका है 22 रुपीज़ का, तो इसको भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करता हूँ। अभी 7:43, थर्ड ऑर्डर की पिकअप लोकेशन में भी पहुँच गया, वो भी 30 सेकेंड के अंदर, तो पिकअप कर लेता जल्दी। दोस्तों, ऑर्डर को कर लिया पिकअप, अभी चलता हूँ डिलीवरी पॉइंट पे, डिलीवरी पॉइंट ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों, थर्ड ऑर्डर के ड्रॉप लोकेशन में भी पहुंच गया, और दोस्तों ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा, और डिस्टेंस बहुत ही कम डिस्टेंस में आ रहा है, मतलब ऑर्डर इसके लिए जल्दी जल्दी हो रहा है, और ऐसे अगर डिस्टेंस में आएगा तो 1 घंटे में आप 6 से 7 ऑर्डर कर सकते हो, इतना कम डिस्टेंस है। दोस्तों, इस ऑर्डर में मिला 22 रुपीज़। दोस्तों,
है थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है मेरा मोबाइल, क्योंकि ये जो नेटवर्क है ना ये बहुत कम हो रहा है। ओके 23 का पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके अभी नया फीचर ऐड होता ही जा रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्या हो रहा है, फोर्थ ऑर्डर को लेके पहुंच गया कस्टमर के लोकेशन और ये ऑर्डर पे डिलीवरी कर देता, और बहुत ही फास्ट ऑर्डर आ रहा है और डिलीवरी भी बहुत फास्ट कर रहा हूँ। फास्ट मतलब दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि आप तो बाइक में कर रहे हैं इसलिए आपका जल्दी हो रहा है, ऐसा नहीं। मैं हमेशा अपना बाइक का स्पीड साइकिल के हिसाब से रखता हूँ, मतलब 25 से 30 किलोमीटर के अंदर ही रखता हूँ। बहुत मेरा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, इमरजेंसी हो जाता है, तब जाके मैं 40-45 के आसपास चला दूँ, उससे नीचे में हमेशा रखता हूँ। दोस्तों इस ऑर्डर में मिला 23 रुपीस। ओके नेक्स्ट ऑर्डर में चलता हूँ, और अभी तक हो गया 517 रुपीस टोटल। दोस्तों फिर से 20 रुपये का ऑर्डर, अभी 7 से 9 बजे तक सिर्फ 20-25 के अंदर ही आएगा ऑर्डर। दोस्तों फिफ्थ ऑर्डर को भी मिल गया 20 रुपीस का, 480 मीटर का डिस्टेंस था। अभी फिर नेक्स्ट ऑर्डर के लिए वेट करना है, अभी तक 537 रुपीस। तो दोस्तों सिक्स ऑर्डर भी असाइन हो चुका है 30 रुपीज़ का, तो चलो इसको कंप्लीट करते हैं। दोस्तों ये सिक्स ऑर्डर था, सिक्स ऑर्डर भी डिलीवरी कर दिया मैंने, और इसमें 30 रुपीज़ हो रहा था, देखता हूँ मिलता कितना है। ओके कमन, ओके 30 रुपीज़ मिला। अभी चलता हूँ नेक्स्ट ऑर्डर के लिए, और अभी टाइम हो गया 9:03। तो इस प्रोग्रेस में मतलब जो गिग्स था दोस्तों, ये गिग्स में मुझे मिला 139 रुपये 7 से 9, मतलब 2 घंटे में मुझे मिला 139 रुपये। तो फिर से एक ऑर्डर मिल गया 20 रुपये का, और टिप्स भी मिला 20 रुपये का, तो टोटल 40 रुपये होने वाला है। मिला 40 रुपीज़, एक्चुअली इसमें 20 रुपीज़ टिप्स है और 20 रुपीज़ का ऑर्डर अर्निंग। तो चलो फिर नेक्स्ट ऑर्डर में चलता हूँ। दोस्तों ये 8 नंबर ऑर्डर है 24 का, और रॉयल अंबूर बिरयानी से, अंबूर रॉयल बिरयानी से, तो चलो इसको फिर डिलीवरी कर दूँ। दोस्तों ये ऑर्डर भी डिलीवरी कर दिया, इसमें 30 रुपये। थैंक यू। तो अभी इतना कम कैसे मिल गया पता नहीं, ऐसा ही होता है कभी कभी, ज़्यादा दिखाते हैं कम मिलते हैं। तो दोस्तों अभी 9:45 हो गया, और बहुत टाइम से ऑर्डर नहीं आ रहा है, अभी हॉटस्पॉट एरिया में आया, तो देखता हूँ फिर से कब तक ऑर्डर लगता है। और ऐसे ही 2.5 घंटे से बाद मतलब ज़्यादा हो गया, और लॉग इन आवर्स, रनिंग भी अच्छा खासा हो रहा है, कल जैसा नहीं हो रहा है लेकिन अच्छा खासा हो रहा है। दोस्तों 20 रुपये का ऑर्डर, और ये आया फेसोस से, देख सकते हैं ये फेसोस रोल्स है, और 20 रुपये का ही ऑर्डर आया दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद जाके ये ऑर्डर मिला। तो ऑर्डर को कर दिया डिलीवरी, और इसमें मिलता कितना है, थोड़ा डिस्टेंस में था लेकिन मिलेगा ज़्यादा नहीं, 20 रुपीज़। चलो फिर देखता हूँ कब तक में लगता है, अभी 6:52 रुपीज़ हो गया दोस्तों, 10:12 हो गया अभी, ठीक है। तो एक ऑर्डर असाइन हो गया था, उसको पिकअप भी करके डिलीवरी पॉइंट पहुंच गया, तो जल्दी जल्दी इनको डिलीवरी कर देता हूँ। तो दोस्तों कस्टमर को डिलीवरी कर दिया, और देखता इसमें मिलता कितना है, और अभी 10:42 हो गया दोस्तों, इसमें 26 रुपीज़ मिला टोटल, टाइम बहुत ही कम लगा था, और अभी तक 679 रुपीज़ हुआ। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया 11, पूरा रात 11 बज गया, तो मैं अभी ऑफलाइन चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे और ऑर्डर आएगा नहीं वो मुझे पता है, और मेरा जो शिप था वो कंप्लीट हो गया, तो ये मैं अभी रेटिंग वगैरह दे देता हूँ, ठीक है, सबमिट स्किप एंड सबमिट ओके कर देता हूँ। दोस्तों आज का जो अर्निंग है, अगर आपको पूरी तरह अच्छे से देखना है तो आप देख सकते हो 679 रुपया, और हाथ में 30 रुपीज़ का टिप्स भी मिला है दोस्तों, तो ऐसा ही अर्निंग है। और ये जो लास्ट तीन गिग्स पर मैंने काम किया आप लोगों को दिखाने के लिए, तो उसमें मिला के टोटल कितना आ गया आप देख सकते हो, एक में तो 26 रुपये, एक में 84 रुपये, और एक से 139 रुपये एक में, तो टोटल ऐसा ही हुआ। और टोटल जो 4 घंटे में अर्निंग है वो अगर देखना है दोस्तों से हमें काउंट करना पड़ेगा। दोस्तों पहले तो मेरा अर्निंग था 426 रुपया, और अभी के लिए हो गया दोस्तों माइनस कर देता हूँ 679 रुपया, ठीक है, तो टोटल 2-3 घंटे में हमको मिला है 253 रुपया, ठीक है। तो फाइनली रूम पे पहुंच गया, और अभी अभी आया, 11:10 हो गया, तो टोटल अर्निंग तो आप देख लिया 679 रुपीज़ हुआ है।
लेकिन जो दोस्तों जो 4 घंटे का ड्यूटी था उस 4 घंटे में थोड़ा कम मिला है, पूरा दिन में जैसा हुआ था ऐसा शाम को थोड़ा कम मिला है। उसका रीजन मैं बता देता हूँ कि किस लिए, मैं बहुत फास्ट घड़ी नहीं चला था, बहुत स्लोली चला था और आज सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो खराब रास्ता है वो उसी रोड पर मिला था, जिसके लिए आने जाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। अदरवाइज जहाँ पे मेरा डेली होता है ऐसा, अगर उस जगह पे ऑर्डर आता तो आज थोड़ा ज़्यादा होने वाला था, लेकिन मैं आज बहुत ही कम टाइम से उधर था, ठीक है, जिसके लिए थोड़ा कम शोर है। और मैं हमेशा ही थोड़ा स्लो चलाता हूँ गाड़ी कि मुझे फास्ट नहीं करना है, इतना कि इतना भी जल्दीबाजी मुझे नहीं करना है कि जिसके वजह से ज़िंदगी चला जाए, तो मैं आराम से कम करता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा कम हुआ है, जो भी है सही है दोस्तों। और आपको, आप अगर साइकिल में करना चाहते हो तो आपको ज़रूर अच्छा मिलेगा, और जैसे कि मैं बाइक में करता हूँ थोड़ा कम तकलीफ होता है, लेकिन मैं स्लो साइकिल के गति से ही चलाता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।